हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम्स किचन। आज मैं आपके साथ चने दाल से बनने वाले पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप शाम में स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है चने दाल का पकौड़ा। चना दाल का पकौड़ा बनाने के लिए हमने एक कप चने की दाल, जिसको 2 घंटे पानी में सोख कर लिया है, 1/2 ग्लास पानी, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। सब्जियों में हमने प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, धनिया पत्ती सारे को बारीक काट लिया है। सबसे पहले हम मिक्सर ग्राइंडर जार में चने की दाल को थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। एक बार हम ढक्कन खोल लेंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। दाल बिल्कुल अच्छे से पिस चुका है तो हम इसमें कटी हुई प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिर्च, शिमला मिर्च और धनिया पत्ती डाल के इसे मिला लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिलने के बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के इसे एक बार और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल गर्म कर लेंगे। यहाँ हमने तलने के लिए सरसों के तेल का यूज़ किया है। तेल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके चने के दाल के पेस्ट को पकौड़े का शेप देते हुए दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। पकौड़ा अब एक तरफ से फ्राई हो चुका है तो हम इसे पलटते हुए दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेंगे। पकौड़ा अब दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। और फिर इसी गर्म तेल में बचे हुए चने दाल के पेस्ट को भी पकौड़े का शेप देते हुए फ्राई कर लेंगे। पकौड़ा फ्राई हो चुका है और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी टिश्यू पेपर ने सोख कर लिया है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। आप सब इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये पकौड़ा कैसा लगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। न्यू अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।